अस्सलाम वालेकुम, दिस सलमान नुमान। आप सबको सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। आज है 14 अगस्त और आज हमारा खुश रहो पाकिस्तान के अंदर जो शो है उसमें 12 नहीं 24 या 25 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हम 12 लोग खुश रहो पाकिस्तान के, फिर गेम शो ऐसे चलेगा कि बाकी जो लोग हैं वो भी मौजूद होंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं आपको सब दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या सेलिब्रेशंस हैं, बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ, किसने किससे लड़ाई की, किसने किससे दोस्ती की, किसने किससे हमदर्दी की और किसने किससे प्यार किया, सब कुछ पता चलेगा। जाके देखेंगे कौन कौन आ चुका है, कौन कौन मेकअप करवा रहा है, कौन कौन खेल रहा है, कौन खेलेगा, कौन कूदेगा। जाहिर बात है व्लॉग तो वैसे भी बाद में आना है तो आपको पता होगा जीतेगा कौन, लेकिन आज पूरी कोशिश करेंगे जीतने की हमेशा की तरह। और आप लोग कीप सपोर्ट करते रहिए और दुआ करते रहिए इंशाल्लाह। और मुझे बता दिया करें इंस्टाग्राम पे आके कि आपको किससे क्या सवाल करने हैं, किससे क्या बात करनी है, किसको डांटना है, किसको मारना है, एक एक चीज़। मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग के ज़रिए आपको पूरा पूरा जवाब दे सकूँ। ट्रैफिक बहुत है 14 अगस्त के सिलसिले में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रैफिक कितना है, उसके बाद बोल चलते हैं और बोल जाने के बाद बताते हैं क्या होता है। आइए ट्रैफिक देखिए थोड़ा सा। तो गाइस आ गए हम बोल चैनल। आइए अंदर चलते और देखते हैं क्या हो रहा है, कौन कौन आ गया, क्या क्या हो रहा है। सो गाइस आ गए हैं हम अंदर बोल चैनल के सामने। ओला लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ओला है यहाँ दानिश भाई का शो होता है, गेम शो ऐसे चलेगा, हमारा शो ऊपर होता है, पहले भी मैंने बताया था व्लॉग में। तो हम चलते हैं ऊपर, बोर्ड नहीं करूँगा कार्ड के, डायरेक्ट पहले फ्लोर पे जाना। हम लोग का फोर्थ फ्लोर पे होता है, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों का मेकअप रूम है जहाँ पर हम लोग मेकअप वगैरह करवाते हैं। यहाँ क्या फर्स्ट फ्लोर, और देखेंगे कौन कौन आ गया है। चलें ये व्लॉग कंप्लीट हो रहा है। देखें मीरल हमारी पतलून में नाड़ा डालते हुए, एक छोटा बना दिया एक लंबा बना दिया, उधर जीरे कैसा सिला दिया, ये पजामा कैसा सिला दिया, पैसा फंसा दिया, ये पजामा कैसा सिला दिया। मजा बिल्कुल भी नहीं आया सलमान, मजा आना भी नहीं है इसके ऊपर। ये बिरयानी खाते हुए अफसा अफसा और शहीर आ चुके हैं। शहीर आज हमारे कैप्टन, मैं पहली बार बता दूं जी, तो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। और अफसा आलू वाली बिरयानी खाते हुए, इतनी लाली लाली सी क्यों हो रही हो तुम? मुझे ब्लॉग में हमेशा लोग बोलते हैं कि आप अफसा और शहीर से कम बातें क्यों करते हैं लोग, हम सारी बातें पब्लिक में करते हैं ना। मतलब लोग बड़ा पसंद करते हैं कि आप बात करें। मैं इंटरव्यू लूंगा, ये तैयार हो जाए। यहाँ बन के क्या सिंधी आई हो, बलोच कश्मीरी, पाकिस्तानी बन के आइए, पाकिस्तान का एक हिस्सा बन के आइए। और ये देखें शाह ताज, घूम के दिखाओ, नहीं तो पब्लिक को फ्री में घूम के दिखा दो जल्दी से। हाँ ना फैशन शो में आई हो तुम, देखो तुम फैसल शो में आई हो, फैसल शो में। ये गलती से अच्छी लग रही मेरे कैमरे पे, ये बेटा तुम्हारा कैमरा उसको वीडियो पे ले जाए, ये बात करो ना। अच्छे लोग अच्छे लग, ये बाहुबली आए हैं हमारे पाकिस्तानी, गुस्सा करके दिखाओ। बाहुबली मास बैठा हुआ सोच रहा है कि अभी ब्लॉग उसको भी करना है, तो मास का देखेंगे और हमारा भी देखेंगे, आप और देखेंगे किसका सबसे अच्छा हुआ। आपको पता है किसका अच्छा होता है तो फिर फायदा दिखा, ये कान के अंदर दिखाते तो मैं कितना मेहनत है, तुम्हारी तरह नहीं है, परेशान है। और नाड़ा इतना टाइट हुआ कि नाश्ता मेरा टूट गया, नाड़ा डल चुका है जी, ये हमारा नाड़ा डल चुका है। अब ये देखें ट्रांजिशन, अच्छा ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं, यूं करता हूँ ठक करके ना चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। बाबर भाई सलाम अलैकुम, आज बाबर भाई आपको पूरा बिहाइंड द सीन दिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आइए चेंज करके आते हैं पजामा।
अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं 14 अगस्त मनाई जा रही है, जश्न आज़ादी। आप सबको मुबारक हो। और ये स्टेज हमारा सजा हुआ है, शाताय आ चुकी हैं, मीरल आ चुकी हैं और हफ्सा आ चुकी हैं। हफ्सा, अक्सर लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं, सब यही बोलते हैं कि हफ्सा से बात नहीं कराते आप, क्या चक्कर है यार? तुम मैं क्या बोलूं, कुछ भी बोलो, फैंस को मोहब्बत दें थोड़ी सी। 14 अगस्त आज़ादी मुबारक, इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो आप सबको, आज़ादी मुबारक हो। मैं कश्मीर। अब कश्मीर है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑलरेडी है? वो पाकिस्तान का ऑलरेडी है, बस हम लोग को मिलता नहीं है वो। इतनी प्यारी क्यों लग रही है, मैं दूर से दिखा दूंगा। अच्छा ले लो सुना दें आप। ना ना, अभी आप वही बनी हुई है। हाँ वो बनी हुई, लेकिन मुझे गाना नहीं आता ना सलमान। थोड़ा सा। बस यही कहीं घूम रहे होंगे। आज का क्या पैगाम है फिर? आज का पैगाम यही कि हम लोग को जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं वो देते रहें, और बहुत सारी जो आप लोग सपोर्ट देते हैं, थैंक यू सो मच उस सब चीज़ों के लिए, और हम लोग को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम लोग को वोट भी दे रहे हैं तभी तो प्यार कर रहे हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, चार जगह पे। इंस्टा पे तो पोल डलता है, बोल इंटरनेट इंटरटेनमेंट ऑफिशियल के पेज पे पोल डलता है, वहाँ पे जाके टिकटॉकर्स पे क्लिक करें। फेसबुक पे भी पोल डलता है बोल के पेज पे, एंड यूट्यूब पे जो बोल का चैलेंज है वहाँ पे जाके पोल डलता है। एंड क्या बचा? व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे बोल, हाँ नंबर है वो हमें पता नहीं है उस पर कैसे देते हैं वोट, बस नंबर है वो बोल का, वहाँ पे जाके क्लिक करके बताना होता है कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आज कौन जीतने वाला है? हम आज क्या करने वाले हैं? हम लोग बहुत सारे नगमे गाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मतलब कॉमिक आने वगैरह सब कुछ। जैसे ईद मुबारक। चले फिर आगे बात करते हैं, कौन कौन आया है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुबारक मुबारकबाद देते हुए हम मौजूद है, और यहाँ पर आज 14 अगस्त मनाया जा रहा है। अभी भाई ये रहे, सब ये रहे, देखें शेज़राज आए हुए हैं, बालों की दुकान। ना ही बड़ा खुश होता है जब ये बाल कटवाने जाता है। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस बात में, ना ही वो खुश नहीं करता, ये ब्यूटी पार्लर वालों को खुश करता है। मेरा दोस्त अच्छा क्यों लग रहा है इतना बता। बस अच्छा तो लगना जरूरी है, बिकॉज जश्न आज़ादी का मौका है, और ऊपर से खुश रहो पाकिस्तान में है इस वक्त खड़े हुए हम लोग। कोई पैगाम पब्लिक के लिए? कोई पैगाम पब्लिक के लिए? पैगाम ये है कि जितने भी आज़ादी का नाम सुनते ही रोडों पे अपनी बाइकें लेके निकल आते हैं, राइडर्स बन जाते हैं, तो टांगे तोड़वा लेते हैं। तो गाइस बी सेफ, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि इन ट्रेजेडीज से बच के रहें। आज़ाद हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाहिल हैं। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं कौन कौन आया है। गाइस शेरोज भाई समझाते हुए लारेब को कि आज कम हरकतें करनी है। अभी लारेब से मैं बात करवा देता हूँ आपकी, लेकिन ये देखा लारेब, अब आम कुछ कह रही थी। जी कह रही थी, बोलिए इतने हरामी क्यों हैं आप यार? बस देखें, इंसान का काम होता है बगैर तो ना इज्जत आने जाने वाली चीज़। बस ठीक है, पैगाम कोई आवाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे आज़ादी मनाने क्या यार? देखें बस मैं ये बोलूँगा कि सिंपल सा एक है, हर कोई बड़ा हमें बोलता है, हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि 14 अगस्त के दिन जो झंडियाँ घर में सजा के रखते हो 15 अगस्त को वो ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए, बस पाकिस्तान साफ रखें। और आज शो में क्या होने वाला है? आज शो में इंशाल्लाह टिकटॉकर जीतेंगे, फाड़ के रख देंगे सबकी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। गाने वाले हो, डांस करना? सर डांस करेंगे, गाना तो आप गाते हो ना। चले ठीक है जी, अब देखेंगे आगे। शहीद से भी बात करानी है, लोगों ने बड़ा फरमाइश किया कि शहीद से बात करा दो, शहीद का एक गाना भी सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक शहीद का गाना मिल जाए। ये देखें बलून सज रहे हैं, आमना भी आई हुई हैं, शाताज भी लगी पड़ी हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। आमना को सजाते हुए हम बकरीद से पहले जैसे गाय को सजाते हैं। चले जी बाद में बात करता हूँ। गाइज आप लोगों ने मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए कि शहीर का गाना आपको बहुत पसंद आया, और शहीर भी आपको वैसे भी पसंद है भाई, लाइक पाकिस्तान का क्रश बना हुआ है, और शहीर का गाना फिर लेकर आ गया हूँ, शहीर से बात करेंगे और सुनेंगे कोई अच्छा सा गाना। अस्सलाम वालेकुम सब, शहीर कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बाकी ये फरमाइश क्या लेके आए हैं आप? वैसे पब्लिक चाहती है कि आप कोई अच्छा सा गाना सुना दें। चलो 14 अगस्त से तो थोड़ी सी एक दो लाइन सुना देते हैं, मसला नहीं है।
दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मुझे पता है जो भी ये देखेगा वो साथ साथ गा रहा होगा, बड़ा साथ साथ गाएगा। पैगाम कोई देना चाहेंगे आवाम के लिए? यार आवाम जो मुझे इतनी सपोर्ट करती है, सबको लव यू गाइस। वोटिंग के लिए कुछ वोट कर दिया करो, हमें करते तो कहाँ वोट होता है बता दो। सबसे पहले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तो मेरी आवाम है, दुआएं आप लोगों की। बिल्कुल। अच्छा, जो लड़कियां इतनी मोहब्बत करती हैं उनके लिए कुछ कहता भाई? लड़कियां जो मोहब्बत करती हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं किसी के दिलों के साथ ऐसे खेल नहीं सकता। लेकिन यार एक सवाल है, जवाब देना आपके ऊपर है कि आप दो ना दो, लेकिन आपका रिलेशनशिप स्टेटस सब पूछते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके ऊपर है कि आप जवाब दो ना दो। यार मैं अगर बोलता हूँ कि मेरी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में अगर आप लोग पूछते हो, तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ ना ही जाओ तो बेहतर है, मैं नहीं तोड़ना चाहता ना लोगों के दिल। भाई खैर, सब अपना ख्याल रखो। समझ जाए ठीक है। बंदा रोमांटिक चल रहा है। ना ना, रोमांटिक नहीं, अभी जश्न आजादी मुबारक है। दिल दिल पाकिस्तान से रोमांटिक ना, पाकिस्तान तो मेरी जान से मोहब्बत है, उस पे जान भी कुर्बान। हम कोशिश करेंगे कि आज जरूर जीते हैं। टिकटॉकर्स का नाम हमेशा कैप्टन मैं हूँ। अच्छा कैप्टन ये, और कैप्टन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी जान लगा दूंगा कि एज कैप्टन शहीद जीते इंशाल्लाह हम दोनों। चलो मैं लाइव आ रहा हूँ। चले ठीक है, लाइव जा रहा है, मिलते हैं। मैं भी थोड़ी देर में ला रहा हूँ लाइव, लेकिन ये ब्लॉग तो आपके पास बाद में ही आना है, लेकिन अभी के लिए लाइव चलते हैं। आइए गाइस, देखिए हमारा एक बड़ा सा चांद आ रहा है, और ये आ रहा है उसका सितारा। चांद सितारा आ चुका है, और मैं आप लोगों को बात करवा देता हूँ। हैंडसम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त इंस्टाग्रामर से, मेरा प्यारा अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ? मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आपको भी, आपको भी, और जितने भी शादीशुदा हजरात हैं उनको भी आजादी मुबारक आज के दिन के लिए। अहमदिया जी भी आई हुई है जी, हरी हरी सफेद सफेद पाकिस्तान का झंडा। इनको इनको जबरदस्ती का रोल चाहिए होता है, समोसा भी चाहिए होता मेरा आपसे मजाक नहीं है तो मत करें। वीडियो खराब की थी आप मेरी हर वीडियो में, कौन सी हर वक्त लड़ते रहते हैं भाई बहन की तरह। हेलो बहन, अपनी 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 बहन, किसकी 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 तरफ देखें? सबकी तरफ। तो आज का क्या प्लान है फिर आपका? आज का प्लान ये है कि आज उम्मीद है कि आज गेम नहीं खेलनी, आज पॉजिटिव मैसेज देना है पूरी आवाम। हम सब एक हैं, सब एक हैं, हम वैसे भी एक हैं, ये सिर्फ गेम है, बिल्कुल एक, इट्स जस्ट अ गेम। मेरा समझ ले, मेरा स्टेज पे बेस्ट फ्रेंड यही होता है जी, और मेरा भाई ये होता है। थैंक यू सो मच सलमान। अब मैं बात करवाऊँ, मैं मदिया जी से पैगाम दिलवा देता हूँ आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, आजादी मुबारक आपको। खैर मुबारक, आप सबको भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पब्लिक जानना चाहती है कि आप क्या सोचती हैं पाकिस्तान के बारे में? मैं पाकिस्तान के बारे में ये सोचती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनने के बाद लोगों की खिदमत करूँ, और आप सबकी खिदमत करती रहूँ, और आप लोगों की दुआएं प्लीज़ मेरे साथ रहें, और इंस्टाग्रामर्स को वोट करते रहें। बिल्कुल जी, जिसको आप पसंद करते हैं सबको वोट कीजिए। थैंक यू। हाँ जी, सुन लिया जी आपने, सब देख लें, सब वीडियोस बना रहे हैं, सबको ये इससे बात कर लें भाई, ये भी आना चाहिए। नहीं मैं नहीं आना चाह रही हूँ ये। हाँ भाई क्या हाल है, आवाज़ तो किसी की भी नहीं आ रही। आपने नाड़ा डाला, कैसा लगा? इसका जो YouTube का ब्लॉग है ना, वो आज मेरी वजह से चलेगा। इसने अपना मुझे शलवार या पजामा जो भी कहते हैं उसमें नारा डालने के लिए दिया, तीन साल बाद मैंने डाला। तीन साल पहले डाल दी थी अपने हस्बैंड का, अपने पापा का, शर्म करो। अपनी अम्मा के हस्बैंड को लगा, कोई नहीं मेरे हस्बैंड नहीं हूँ अभी तक, ना मैंने शादी की है, ना मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, मैं बिल्कुल सिंगल रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दोस्त बहुत अच्छे बनाते थे कि ये आया था नारा बनवाने। कैसा लग रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान जिंदाबाद जी, गाइस फटा करते हुए दोनों हमेशा की तरह। अहमद चले आगे बताते हैं आगे क्या क्या होगा।
मोहब्बत भरी आवाज के साथ हम बात करवाने जा रहे हैं आपको खुश रहो पाकिस्तान के वन एंड ओनली सिंगर लक्की भाई। लक्की भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी मुबारक हो जी आपको। आज ही जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सबको और बहुत सारी खुशियां आज हम लोग जो है आप सबके साथ शेयर करेंगे जश्न आज़ादी के मौके पर। और एक अच्छा सा नगमा सुना दीजिए एक लाइन मोहब्बत में। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। हाय 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 हाय। कोई टिप बता दीजिए लोगों को आवाज़ के लिए मुझ समेत कि कैसे अपनी आवाज़ अच्छी कर सकता है इंसान? देखें आवाज़ तो अल्लाह ताला की देन होती है, सबकी अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन उसको सुर में अगर आपको लाना है तो सुर में लाने के लिए उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। आप वो प्रैक्टिसेस करें, जैसे कि रियाज आप करें एक सुर पे स्टे करके, देखें कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप प्ले करें एक कोई भी सुर उसका, और आप उसके साथ उसका रियाज करें 5-5 मिनट एक सुर पे दें, देखें आप इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ में बेहतरी आएगी। सिंपल भाई ये थे हमारे लक्की भाई और इंशाल्लाह मैं आगे बताता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है। स्टे ट्यून। थैंक यू जी। प्रोग्राम तो आप देखते होंगे लेकिन प्रोग्राम को चलाने में एक बहुत बड़ा हाथ पैर पूरा जिस्म जिस बंदे का है जिस शख्सियत का है उनसे मैं आपका तारुफ करवाने वाला हूँ। वो हमारे हैं द वन एंड ओनली प्रोड्यूसर मिस्टर शेरोज आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या किया, क्यों आपने सोचा है ये प्रोग्राम बनाने के बारे में? ऑब्वियसली कोविड चल रहा था, कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से ऑडियंस तो नहीं आ सकती थी, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम फॉर्मेट चेंज करें अपना, और हमने फॉर्मेट चेंज किया, हमने एक नई चीज़ ट्राई की और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छी चली, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, तो इसी वजह से आज 14 अगस्त है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज का जो शो है वो बहुत अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए इसी तरह सपोर्ट करें। आवाम के लिए कोई पैगाम आपका 14 अगस्त के लिए? आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आज 7 बजे से 10 बजे तक खुश रहो पाकिस्तान आएगा, तो आप लोग देखें और आज नहीं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जरूर देखा करें और पूरी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे मंडे हमारे भाई दानिश भाई का शो है, तो वो भी इसी तरह सपोर्ट करें, वो भी हमारा अपना है, खुशरो भी हमारे अपने ही हैं, तो फैसल भाई दानिश भाई माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा बहुत एनर्जी के साथ शो करते हैं माशाल्लाह, दोनों जो हमारे होस्ट हैं फैसल कुरैशी भाई और दानिश तैमूर भाई। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बंदा जो होता है इनको कॉन्टेक्ट किया करें, शेरोज आरिफ नाम इनका, आई शेरोज आरिफ इंस्टाग्राम पे सब इनको लिख के भेजा करें, आई शेरोज आरिफ मैं पहले बता दूँ, सब लिख के भेजा करें, कोई नया गेम चाहिए आपको बहुत बुरी लगती है सब इनको कंप्लेन करें। शेरोज भाई चले, शेरोज भाई थैंक यू सो मच, आप सब भी बुराइयां करते हुए शेरोज भाई की ये देखें जी हमारा चांद लग चुका है और मुझे बता दिया करें आप इंस्टाग्राम पे आके कि आप क्या क्या चाहती हैं। खदीजा सजीवी, खदीजा सलाम कहना लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी आप आवाम के लिए, कोई पैगाम 14 अगस्त के लिए? क्या पैगाम तुम्हें आवाम को? आज़ादी मुबारक ही है दो। आज़ादी मुबारक हो सबको और झंडियों का ख्याल रखें, मैं तो बस यही कहूँगी, रुल रही होती हैं ज़मीनों में और पैरों में आ रही होती हैं वो जब घर को सजाते हैं। पंजाबी में कुछ कहते हैं? पंजाबी नहीं आती, पंजाबी लहजे में बोलते हैं। पंजाबी लहजा बस यही लहजा है मेरा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पंजाबी एक्सेंट निकालूँ? पता नहीं है, हमने कभी सुनी नहीं पंजाबी। नहीं ना मुझे आती नहीं है पंजाबी बोलनी, थोड़ी थोड़ी सी समझ आती है। किसी की हार का नतीजा ये मेरा मेरा प्यारा अहमद भाई, लेकिन इससे मैं बात नहीं करवा रहा, मैं बाद में करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। गाइस अहमद से बाद में करवाने की बात ज़रूर इसलिए थी क्योंकि अहमद अपना नारा टाइट कर रहा था शायद। अहमद कैसा है? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कह रहा था मैं लड़की का इंटरव्यू पहले करके हूँ तेरा बाद में करूँगा, ये बहुत छिछोरा है। एडिटिंग होगी ना आपको दिख जाएगा कौन के साथ। मैं बिल्कुल ठीक मेरी जान, आप सुनाएं कैसे हैं? आपकी दुआएं जी। क्या कैसा लग रहा है कराची आके आपको? कराची आके बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया जब से बारिश ही नहीं रुक रही, बारिश ला रही है लोग पंजाब से हमारे लिए। और कैसा लग रहा है कराची की आवाम, कैसा सपोर्ट कर रही है? आवाम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है लेकिन थोड़ा सा रह जाती है, खैर है खैर है, 4-5 दिन ही हुए हैं लेकिन मैं अपनी आवाम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा यार, जितना भी सपोर्ट किया है थोड़ा सा और सपोर्ट कर दें, हमें जितवा दें, थैंक यू। और आज क्या प्लान है फिर गेम का? आज का प्लान ये है कि आज हमने पूरा 100% नहीं 200% देना है ताकि जज्बा जो हमारा इंडिपेंडेंस देगा ना वो भी गेम्स में नजर आए। देखिए तो हम लोग दोनों कोशिश तगड़ा होने वाला है, बिल्कुल कोशिश करेंगे जीतने के, लेकिन आज जीत के लिए नहीं हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। बेशक बेशक मजा आएगा, ऑपोजिट टीम है मुझे यही अपना ओपोनेंट लगता है।
चले हम लोग जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर लाइव, बात करते हैं आपसे बाद में। यार रबी का जाते जाते यार वो कुछ सुना दे जल्दी से। क्या सुना वो नगमा को जल्दी से। मेरी नगमा कौन सा, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा थैंक यू। ठीक है जी, अब तक बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ रह गया तो इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम कैप्चर कर लूँगा इन सबसे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा आप देख सकते हैं हम जीत गए, हमारे साथ हैं अबीहा जो हरवाने में कोई नहीं रखती क्योंकि वो लेट आई थी, लेकिन वो आते ही सब हार गए, ऐसा क्यों? नहीं, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं अपनी गेम जीतती हूँ, वो बात अलग है मेरी टीम हार जाती है, लेकिन मैं अपनी गेम जरूर जीतती हूँ। और एक और बात, मौतवाना गुजारिश है सलमान की नाक में हारिश है। अब नहीं है ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पर विक्ट्री। मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं दरअसल वो ट्रेनर वाला एड जो है वो पोस्ट कर रहा था इसी वजह से। और ये देखें ये सारे करते हुए सारी स्लोमो एंड तफरियां चल रही हैं, देख सकते हैं आप, ये स्लोमो बन रहा है इनका, ये 3 2 1 भागो। कौन कौन है? हफ्सा है, रबीका है, हुसैन है, माज है, और हुसैन माज शहीर हफ्सा एंड रबीका। बाबर भाई वीडियो बनाते हुए, बाबर भाई आज हमको जीतता हुआ आपको देख के कैसा लगा? इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं पकड़ रहा, अब हम जीत गए तो हमको जाना पड़ेगा अपने हाथों से। कैप्टन ने बोला था ना कैप्टन जीतेगा, देखो लाइट भी खुल गई कैप्टन जीता और हमको जाना पड़ेगा। अब हम आएंगे आपके लिए नया व्लॉग लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखा इंशाल्लाह, मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह। और मिलते रहिए सब लोगों से, अल्लाह हाफिज। इब्राहिम तू होता ही नहीं मेरे ब्लॉग में, सब बोलते हैं इब्राहिम क्यों लेते हैं, इब्राहिम कुछ बोल दे पश्तो के अंदर, बाबुली शीरे बना बिमल ले बशमल। बीबी शीरी ने सड़े को लेरा बांधिवा सवसुर शाह जोड़ा लसनों के अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मैं रखिएगा जब मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो बेटा, अल्लाह हाफिज।